हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास जीव विज्ञान इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 1846 से 1846 ह्यूगो वोन मोल ने कोशिका विभाजन का वर्णन किया, सेल डिवीजन का वर्णन किया और प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के महत्व को भी बताया। 1848 होफमिस्टर ने केंद्रक विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस का ट्राडेस्केंसिया पादप के अंदर अध्ययन किया। 1849 में इन्होंने भ्रूणकोष, पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाली संरचना भ्रूणकोष अर्थात एम्ब्रियोसैक की संरचना का भी वर्णन किया। और 1851 में इन्होंने पादपों के जीवन चक्र में पाई जाने वाली पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का भी वर्णन किया। 1848 में केंद्रक विभाजन का वर्णन, 1849 में भ्रूणकोष की संरचना का वर्णन और 1851 में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का इन्होंने वर्णन किया। एक महत्वपूर्ण बिंदु, 1858 रूडोल्फ विर्चो या विर्चो, जिनका कथन ओमिनिस सेलुला ई सेलुला था, जिसका मतलब है सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इस कथन को बाद में कोशिका सिद्धांत में भी स्थान दिया गया, अर्थात जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो शरीर में पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन से बनती है। 1849 चार्ल्स डार्विन, पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने अपनी पुस्तक नई जातियों की उत्पत्ति द ओरिजन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के अंदर जैव विकास को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत इन्होंने HMS बीगल नामक समुद्री जहाज से समुद्री यात्रा के दौरान किए गए अवलोकन के आधार पर प्रस्तुत किया। 1881 में इन्होंने कैनरी घास के परोह शीर्ष पे प्रकाशानुवर्तन का भी, फोटोट्रोपिज्म का भी प्रदर्शन किया। 1862 से 1883 जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिनको हम बेंथम और हुकर के नाम से जानते हैं, इन्होंने तीन अलग अलग वॉल्यूम से जेनेरा प्लांटेरम नामक ग्रंथ लिखे और इनमें इन्होंने सर्वाधिक स्वीकृत प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का वर्णन किया। मोस्ट एक्सेप्टेबल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो जीवों के वर्गीकरण में, पादपों के वर्गीकरण में हम इस बेंथम और हुकर की जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है उसी के अनुसार हम इनका अध्ययन भी करेंगे। तो ये हमारे जीव विज्ञान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है।